गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज जिरार्ड एंड यू आर वाचिंग जिरार्ड बूम। सो टुडे आई हैव कम टू मुकेश हुंडई व्हिच इज सिचुएटेड एट हाजरा कोलकाता। सो इफ यू वांट टू परचेस एनी ऑफ योर फेवरेट हुंडई कार्स देन दिस इज द शोरूम दैट यू शुड बी टू चेक आउट योर फेवरेट हुंडई कार्स। द लिंक टू द शोरूम विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आपके स्क्रीन पे नंबर भी आ जाएगा। सो द कार दैट यू सी इन फ्रंट ऑफ मी इज नन अदर देन द ऑल न्यू 2023 हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट। और ये जो वेरियंट है, दिस इज द टर्बो वेरियंट विद द मैनुअल गियर बॉक्स। सो जो लोग टर्बो के शौकीन हो एंड ऑटोमेटिक नहीं चाहिए देन दिस इज द कार दैट दे शुड गो फॉर। ऑब्वियसली इसमें आपको एडास नहीं मिलेगा क्योंकि एडास इज ओनली अवेलेबल इन द ऑटोमेटिक वेरियंट्स, मतलब जो DCT है ऑन द टर्बो एंड ऑन द IVT ट्रांसमिशन ऑन द 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सो ये जो कलर आप देख रहे हो, दिस इज अ वेरी स्पेशल कलर, दिस इज अ ब्रांड न्यू कलर फ्रॉम हुंडई एंड दिस इज नोन एज द टेल्यूरियन ब्राउन कलर। एंड इन माई ओपिनियन द टर्बो वेरियंट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल इन दिस वेरियंट, क्योंकि आपको ये ब्लैक एलॉयज भी मिल जाता है। सो आज इस गाड़ी का मैं पूरा एक रिव्यू दूंगा मेरे चैनल पे। सो क्या आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर सब मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड द SX वेरिएंट, मतलब जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, ऑलरेडी ऑन माय चैनल। अगर आपको चेकआउट करना है, आई बटन पे लिंक आ जाएगा, यू कैन चेकआउट दैट वेरिएंट। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द कार गाइज, आई वॉन्ट टू शो यू द की। सो की आपको सेम मिलता है जो पहले था, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हुंडई का लोगो आपको मिलता है, यहाँ पर चार बटन है, दिस टू लॉक योर कार, दिस टू अनलॉक योर कार। ये अगर आप होल्ड करके रखेंगे आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा एंड ये अगर आप होल्ड करेंगे आपका बूट ओपन हो जाएगा। सो इसका जो मेन जो स्पेशल हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका DRL। सो DRL मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। सो जस्ट पुट द की इनसाइड गाइस, और यहाँ पर जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है उसको आप दो बार दबाइए एंड जस्ट पुट द कार इनटू योर पार्किंग लाइट। सो यहाँ पर आपका DRL ऑन हो जाएगा। सो एज यू कैन सी यू गेट दिस ब्यूटिफुल कनेक्टिंग DRL ऑन द न्यू वर्ना, एकदम लेफ्ट से राइट तक जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको फुल LED सेटअप मिलता है ऑन योर हेडलाइट। सो यहाँ पर आपका दो लो बीम है, ये आपका हाई बीम है। इंडिकेटर आपको हैलोजन में मिलता है। आई विश की इंडिकेटर हुंडई LED में दे देते बट जो है सो है। यहाँ पर चार पार्किंग सेंसर आपको मिलता है, 2 ऑन दिस साइड एंड 2 ऑन द अदर साइड। एंड यू गेट दिस ब्यूटीफुल ग्लॉस ब्लैक फिनिश ऑन योर फ्रंट ग्रिल। एंड यहाँ पर आपको स्प्लिटर टाइप डिजाइन मिल जाता है ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट बम्पर, लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहाँ पर बॉनेट इज प्रीटी प्लेन बट यू गेट 2 हॉन्चेस ओवर हियर ऑन द बॉनेट। द बेस्ट थिंग अबाउट द न्यू वर्ना इज दैट इट इज वेरी वेरी शार्प लुकिंग। गाड़ी में पूरी तरह, मतलब पूरा गाड़ी में आपको कट्स एंड क्रीसेस मिलेगा। अभी साइड में अगर हम लोग चले जाए गाइस, सो साइड में व्हील्स अगर हम लोग देखेंगे, व्हील्स आपको यहाँ पर फुल अलॉय मिलेगा एंड ये आपका फुल ब्लैक फिनिश में है, लुक्स एब्सोल्युटली सेक्सी ऑन द न्यू वर्ना। इसका जो ब्रेक कैलिपर है विच इज स्पेशल टू द टर्बो वेरिएंट, कि ब्रेक कैलिपर आपका रेड कलर में है। और ये टायर का जो प्रोफाइल है दैट इज 205/65R16। सो 16 इंच का टायर आपको मिल जाता है, प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी 205/55 इसका प्रोफाइल है। सो लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। यहाँ पर ORVMs में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है एंड दिस कम्स विद द वेलकम फंक्शन। और ये बॉडी कलर में मिलता है आपको। और गाड़ी का जो बेल्ट लाइन है पूरा सैटिन फिनिश में आपको मिलता है। बी पिलर जो है ये आपका मैट ब्लैक में है, यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और यह भी आपका सैटिन फिनिश में ही है, लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ऊपर आपको सनरूफ मिल जाता है, यू गेट अ शार्क फिन एंटेना फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक। पीछे आपको यहाँ पर भी डोर हैंडल आपको सैटिन में मिल जाता है। एट द रियर एज यू कैन सी आपको ड्रम ब्रेक मिलता है गाइस। मेरा जो विश था, ये टर्बो वेरिएंट है, 160 BHP का पावर है, एटलीस्ट पीछे डिस्क ब्रेक देना चाहिए था, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। बट आपका पीछे का जो प्रोफाइल है टायर का वो सेम है, 205/55R16। सो लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल इवन एट द बैक ऑल्सो। नाउ द मेन चेंज दैट हैज हैपन टू द वर्ना इज एट द रियर। सो एज यू कैन सी यू गेट दिस कनेक्टिंग टाइप टेल लाइट राइट नाउ। यहाँ पर आपको क्रिस्टल डिजाइन में आपको रियर टेल लैम्प मिल जाता है और ये आपका ब्रेक लाइट है। सो लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और आप जब ब्रेक दबाएंगे आपको यहाँ पर भी पूरा लाइट अप हो जाता है। सो लुक्स रियली रियली नाइस। आपका रिवर्स लाइट और टर्न इंडिकेटर्स आपका हैलोजन में है। ये टर्बो वेरिएंट है, सो यू गेट द 1.5 टर्बो बैजिंग ओवर हियर। पीछे आपको यहाँ पर ब्रेक लैम्प मिल जाता है, ओवर देयर एज आई शोड यू गॉट अ शार्क फिन एंटेना। एंड फ्रॉम द रियर द वर्ना लुक्स लाइक दिस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। वर्ना का बैजिंग आपको अंदर में यहाँ पर मिलता है, हुंडई का लोगो है। यू गेट अ रिवर्स पार्किंग कैमरा ओवर हियर एंड यू गेट 4 पार्किंग सेंसर्स ऑन दिस कार। सो अभी बूट थोड़ा चेकआउट करते हैं गाइस। यू गेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर। सो एज यू कैन सी बूट इज अराउंड 528 लीटर्स एंड इट इज एम्पल। सेगमेंट में सबसे ह्यूज बूट है वर्ना का एंड इट इज़ वेरी वेरी स्पेशियस। आपका यहाँ पर बड़ा बैग ये सब आराम से फिट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट अ कैबिन लैम्प, मतलब बूट लैम्प इन दिस कार, सो दैट इज अ बिट ऑफ अ बमर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बूट स्पेस इज एब्सोल्युटली प्लेंटी, यू विल हैव नो प्रॉब्लम व्हाट सो एवर। सो नाउ लेट्स गो टू द रियर सीट गाइज। सो रियर डोर अगर मैं ओपन करूँ, एज यू कैन सी यहाँ पर आपको फुल ब्लैक फिनिश मिल जाता है एंड ओवर हियर यू गेट दिस सॉफ्ट टच ब्लैक फिनिश।
एंड यहाँ पर आपको रेड स्टिचिंग मिल जाता है, टर्बो वेरिएंट है। यू गेट अ बोस साउंड स्पीकर ओवर हियर, यू गेट अ बॉटल होल्डर अलोंग विद सम स्पेस टू कीप योर फोन, एंड ओवर हियर यू गेट योर पावर विंडो स्विच। ये जो है दिस इज फिनिश्ड इन सैटिन। सो नाउ लेट्स जस्ट सिट इनसाइड गाइस। सो लेट मी जस्ट क्लोज द डोर एंड द डोर्स क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड। एक चीज जो मैं अभी करूंगा गाइस, थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं क्योंकि अंदर सब इट्स ब्लैक इन कलर, सो थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा। सो एज यू कैन सी लाइट मैंने ऑन कर दिया एंड यू कैन सी द अमाउंट ऑफ लेग रूम दैट आई हैव, एब्सोल्युटली ह्यूज अमाउंट ऑफ लेग रूम। सो ये जो गाड़ी है मोर देन 4.5 मीटर्स इन लेंथ है राइट नाउ, सो ऑब्वियसली यू विल गेट अ लॉट ऑफ लेग रूम ओवर हियर। नी रूम इज अ बिट, आई मीन द अंडर थाई सपोर्ट इज अ बिट लैकिंग इन माई ओपिनियन, थोड़ा और भी बेटर हो सकता था क्योंकि मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है, बट ओवरऑल अगर आपका हाइट 6 फीट से कम है देन आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगा। यहाँ पर आपको डुअल एसी वेंट्स मिल जाता है एंड यू कैन मतलब यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो आप, सो दैट्स रियली गुड। यहाँ पर दो यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड यू गेट अ स्पेस टू कीप योर फोन और योर वॉलेट ओवर हियर। विड ऑफ द कार इज एब्सोल्युटली ग्रेट, बहुत वाइड गाड़ी है, पहले से भी वाइड हो गया अभी वरना, सो थ्री पीपल कैन एब्सोल्युटली सीट कंफर्टेबली इन दिस कार। पीछे आपको सनलाइट मिल जाता है एंड दिस इज कंपनी फिटेड, सो दैट्स प्रीटी गुड। ऊपर में आपको यहाँ पर लाइट मिल जाता है विच इज फिनिश्ड इन एलईडी। यू गेट अ ग्रैब हैंडल ओवर हियर, यू गेट अ ग्रैब हैंडल ओवर हियर अलॉन्ग विद अ हुक। सभी बात करते हैं गाइस हेडरूम के बारे में। सो हेडरूम इफ आई सिट लाइक दिस एज यू कैन सी हेडरूम इज ओके, मेरा इतना तक मुझे जगह मिल रहा है, दो उंगली तक। मेरा हाइट अराउंड 6 फीट है, सो ओवरऑल हेडरूम इज ओके फॉर मी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आई कैन ईजिली सीट कंफर्टेबली एंड आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सो ओवरऑल सीट्स आर प्रीटी कंफर्टेबल एट द बैक। सो अगर आपका शॉफर ड्रिवन कार है, मतलब कोई ड्राइवर चलाता है आपका गाड़ी, देन आपको पीछे बैठ के कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा इस गाड़ी में। सो अभी चलते हैं गाइस आगे। आगे तो इस गाड़ी में भर के फीचर्स है एंड थोड़ा जो मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड कार है उससे भी थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस आपको महसूस होगा। सो अभी चलते हैं सामने और क्या क्या आपको मिलता है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सो इफ आई ओपन द फ्रंट डोर गाइज, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर भी आपको फुल ब्लैक इंटीरियर मिलता है ड्यू टू द टर्बो वेरिएंट। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। ओवर हियर यू गेट अ पावर विंडो कंट्रोल्स, द ड्राइवर साइड इज 1 touch down एंड 1 touch up और बाकी तीनों आपको नॉर्मल फंक्शन मिलता है। यू गेट अ विंडो लॉक स्विच ओवर हियर, सेंट्रल लॉकिंग का बटन आपको यहाँ पर मिलता है एंड दीज आर द बटन्स टू कंट्रोल योर ORVM। नीचे आपको यहाँ पर दो बड़ा बॉटल होल्डर मिलता है, वन फॉर योर यूज 1 liter और 2 liter बॉटल एंड यहाँ पर आपको 500 ml का बॉटल फिट हो जाएगा। यू गेट अ स्पेस ओवर हियर टू कीप योर फोन और योर वॉलेट। यहाँ पर बोस का स्पीकर आपको मिलता है, एम्बिएंट लाइट का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिलता है, मैं आपको दिखा दूंगा एंड दिस इज फिनिश्ड इन सैटिन। सो यहाँ पर सीट्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, यहाँ पर एज यू कैन सी नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इज दैट इसमें आपको ब्लैक इंटीरियर मिलता है विद दिस रेड स्टिचिंग, फुल लेदरेट है एंड यहाँ पर आपको हीटेड और वेंटिलेटेड सीट दोनों मिलता है विच इज अ सेगमेंट फर्स्ट। सो सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। आपको यहाँ पर साइड बोल्स्टरिंग जो मिलता है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यू गेट डुअल एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑन दिस कार एंड यू गेट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फॉर पुशिंग द सीट फ्रंट एंड बैक और आपका जो बैकरेस्ट है वो एडजस्ट करने के लिए, बट हाइट एडजस्ट आपको मैनुअली करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 pedal आपको मिलता है एंड दिस इज इन दिस एल्युमिनियम फिनिश क्योंकि ये थोड़ा स्पोर्टी वेरिएंट है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ambient light आप देख सकते हो। यू गेट ambient light ओवर हियर एंड यहाँ पर 3 button आपको मिलता है, दिस इज योर ट्रैक्शन कंट्रोल बटन, दिस इज टू टर्न ऑन और ऑफ योर ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और यहाँ पर आपको हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस मिल जाता है। सो नाउ लेट्स जस्ट सिट इनसाइड गाइस। सो सिटिंग इनसाइड द वर्ना इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। लेट मी जस्ट क्लोज द डोर एंड एज यू कैन सी सीट थोड़ा मैं पीछे कर लेता हूँ। सो सीट इतना तक चला जाता है पीछे विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं थोड़ा लाइट भी ऑन कर लेता हूँ। सो एज यू कैन सी दिस इज द इंटीरियर ऑफ द न्यू वर्ना द टर्बो वेरियंट और यहाँ पर जो मेन डिफरेंस जो है दैट इज इन द इनसाइड जो कलर है इनसाइड का। सो यहाँ पर जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वहाँ पर आपको ये वाइट फिनिश में मिलता है, बट इन दिस वेरियंट यू गेट इट इन ब्लैक फिनिश और यहाँ पर ये बहुत ही प्रीमियम लगता है। यू गेट दिस स्टिचिंग ओवर हियर, दिस इज इन वाइट कलर एंड ये तो ब्लैक ही है, ये नॉर्मल वेरियंट में भी ब्लैक ही होता है, यहाँ पर भी आपको ब्लैक ही मिलता है। सो ओवरऑल क्वालिटी लेवल इज रियली रियली गुड, आई हैव नो कम्प्लेन्स, इट्स वेरी वेल बिल्ट एंड फीचर लोडेड तो है ही। ग्लव बॉक्स अगर हम लोग चेक करेंगे गाइस, ग्लव बॉक्स में आप देख सकते हो यू गेट कूलिंग फंक्शन बट नो लाइट। ओवरऑल ग्लव बॉक्स इज प्रीटी एडिक्वेट, आपका सब जो चीज है यहाँ पर फिट हो जाएगा। एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो ओवर देयर, सो एज यू कैन सी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल लुकिंग एम्बिएंट लाइट। यहाँ पर आपको ये क्लॉ टाइप डिजाइन मिल जाता है, सो लुक्स एब्सोल्युटली प्रीटी एंड यहाँ पर आपको ये 10.25 इंच का ब्लूलिंग का टचस्क्रीन सिस्टम मिल जाता है विच आई टॉक अबाउट अ बिट लेटर। एम्बिएंट लाइट आप देख सकते हो, सो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एम्बिएंट लाइट। यहाँ पर आपको एसी का सब कंट्रोल्स मिल जाता है अलॉन्ग विद योर इन्फोटेनमेंट सिस्टम। सो द स्पेशल थिंग दैट हुंडई हैज इंट्रोड्यूस्ड इज दिस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस बटन से आप टॉगल कर सकते हो आपका इन्फोटेनमेंट सिस्टम और आपका एसी कंट्रोल, उसके बेसिस के ऊपर आपका जो नॉब्स है चेंज हो जाता है। सो रियली रियली नाइस। यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका ऑटो एसी का बटन
ओवर हियर यू गेट अ फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, और ये आपका जो ब्लोअर है वो ऑफ करने के लिए, और ये सब आपका टच है, सो दैट इज अ रियली गुड थिंग। और ये भी सेगमेंट फर्स्ट है गाइस। ओवर हियर यू गेट पोर्ट्स, सो दिस इज अ 12 वोल्ट सॉकेट। यहाँ पर आपको यूएसबी टाइप ए का पोर्ट मिल जाता है, सो यू कैन कनेक्ट योर पेन ड्राइव फ्रॉम हियर। और यहाँ पर आपको एक यूएसबी टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यू गेट वायरलेस चार्जिंग ओवर हियर। यू गेट अ 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, ये डीसीटी में भी आता है। एंड ओवर हियर यू गेट 3 buttons, सो यहाँ पर आपको 3 drive mode मिल जाता है। आई विल शो इट टू यू इन अ बिट। यहाँ पर आपको डीआरवीएम का बटन मिल जाता है, सो इफ आई प्रेस दिस आप देख सकते हो डीआरवीएम ऑन हो जाता है यहाँ पर। एंड ये आपका फ्रंट जो पार्किंग सेंसर है वो ऑन ऑफ करने के लिए, सो आई जस्ट शो यू द गियर थ्रोज राइट नाउ। सो गियर थ्रोज आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आप देख सकते हो एब्सोल्युटली स्लिक शिफ्टिंग गियर बॉक्स, सो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। 6-speed का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसका रिवर्स गियर में अगर डालू तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रिवर्स गियर का मतलब जो बैक कैमरा है उसका क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो गाइडलाइंस है दैट इज अडैप्टिव, दैट्स रियली गुड। और पार्किंग सेंसर्स का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, सो रियली रियली गुड। यहाँ पर भी आपको ये रेड स्टिचिंग मिलता है। यू गेट 2 cup holders ओवर हियर, मैनुअल हैंड ब्रेक। यू गेट अ सेंटर आर्मरेस्ट ओवर हियर विद स्पेस इनसाइड। ऊपर आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, एंड द विजिबिलिटी एट द बैक इज ऑल्सो रियली गुड। यू डोंट गेट अ सनग्लास होल्डर अनफॉर्चुनेटली, बट यहाँ पर आपको लाइट मिल जाता है इन LED। यहाँ पर आपको मिलता है आपका मिरर बट नो लाइट, और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका मिरर बट नो लाइट। अभी सनरूफ देखते हैं गाइस, सो सनरूफ आपका वन टच है एज यू कैन सी। सो इफ आई जस्ट प्रेस दिस एज यू कैन सी वन टच में पूरा सनरूफ ओपन हो जाता है। सो इतना तक पहला बार ओपन होता है। सो इफ आई प्रेस दिस अगेन देन पूरा पीछे तक चला जाता है। इसको क्लोज करने के लिए अगेन वन टच, सो योर सनरूफ इज क्लोजिंग एज यू कैन सी। बट वन थिंग इज दैट आपका जो ये सनब्लाइंड है वो आपको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा, सो कीप दैट इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम गाइस, सो लेट मी जस्ट क्लोज द DRVM। सो यहाँ पर एज यू कैन सी जो लोग मतलब यूज करते हैं ब्लूलिंक दे ऑलरेडी नो हाउ गुड दिस इज, बट इसमें आपको ADAS फीचर्स नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल द टच रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, आप देख सकते हो कितना स्मूथ है इसका टच रिस्पॉन्स। यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाइए, आपको बहुत सारा फंक्शंस मिल जाएगा। यू गेट कनेक्टेड कार्टेक ऑन दिस कार, सो ब्लूलिंक आपको पेयर करना पड़ेगा वेन यू बाय दिस कार। सो या दैट्स देयर, सो ओवरऑल वेरी वेरी गुड सिस्टम। अगर आपको ये टच स्क्रीन सिस्टम देखना है देन डू कम डाउन टू अ नियर बाय हुंडई शोरूम। आप अगर कोलकाता में रहते हो देन यू कैन कम डाउन टू मुकेश हुंडई विच इज सिचुएटेड एट हाजरा टू चेक आउट दिस एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यहाँ पर आप क्लाइमेट है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो। अनदर थिंग आई वॉन्ट टू शो यू इज दैट मैंने आपको बोला था कि इस गाड़ी में ADAS आपको नहीं मिलेगा, बट ADAS मिलता है, बट फुल ADAS आपको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ फीचर्स आपको मिलता है। सो इफ यू गो टू व्हीकल ओवर हियर देन एज यू कैन सी ड्राइवर असिस्टेंस में आपको ड्राइवर सेफ्टी, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग मतलब अगर आप सो नहीं गए गाड़ी पे वो ये जज करता है, एंड पार्किंग सेफ्टी आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा। सब ADAS फीचर्स आपको नहीं मिलेगा इस गाड़ी में। सो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ये सब आपको मिलेगा, बट आपका लेन डिपार्चर वार्निंग ये सब, आपको ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग ये सब आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा, सो कीप दैट इन माइंड। सो इसमें आपको पार्ट ADAS फीचर्स आपको मिल जाएगा, सो दैट इज अ गुड थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टीयरिंग व्हील गाइस। सो स्टीयरिंग व्हील में जो डिफरेंस है बिटवीन दिस एंड द अदर वेरिएंट इज दैट यहाँ पर मतलब जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो है, इसमें आपको रेड स्टिचिंग मिल जाएगा। सो ओवरऑल वेरी प्रीमियम टू टच दिस स्टीयरिंग व्हील। बट एक चीज जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर 2 spoke का स्टीयरिंग है, 3 spoke नहीं है। सो ऑब्वियसली यू गेट 6 airbags इन दिस कार, सो सेफ्टी के मामले में नो इश्यूज। यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाता है फॉर योर क्रूज कंट्रोल, दिस इज टू ब्राउज टू दिस MID ओवर हियर, एंड ओवर हियर यू गेट बटन्स टू कंट्रोल दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवर हियर। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो दिस इज वेरी सिमिलर टू द वन यू गेट ऑन द हुंडई वेन्यू एंड इवन ऑन द किया कारेन। सो ये फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है गाइस। सो यहाँ पर एज यू कैन सी यू गेट योर स्पीड ओवर हियर, दिस इज योर RPM लेवल। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका टेम्परेचर लेवल, टेल टेल लाइट्स आप देख सकते हो एवरीवेयर। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका फ्यूल लेवल, यहाँ पर आपका आउटसाइड टेम्परेचर, दिस इज योर टोटल ओडो रीडिंग, एंड यहाँ पर आपको रेंज दिखा देता है गाड़ी का। सो यहाँ पर 3 drive mode है गाइस। सो ड्राइव मोड आपको चेंज करने में यहाँ पर बटन दबाना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी दिस इज योर स्पोर्ट मोड, इको मोड और नॉर्मल मोड। सो 3 mode आपको इस गाड़ी में मिलता है, बेस्ड अपॉन दैट आपका पावर चेंज होगा गाड़ी में। सो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है MID का वो आप इस बटन के साथ चेंज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी इफ आई प्रेस दिस, दिस इज योर ADAS का आपको यहाँ पर रीडिंग देगा। सो दिस इज योर वर्ना एंड रोड दिखा रहा है, सो ADAS का आपका रीडिंग देगा यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्रोल करूँ देन दिस इज योर ड्राइव इन्फो, दिस इज योर सिंस रिफ्यूलिंग, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ऑटो स्टॉप। सो अभी Hyundai is providing auto stop in all of their Bharat Stage 6 Phase 2 cars। इसको फिर से अगर मैं स्क्रोल करूँ देन यहाँ पर आपका कंपास दिखा देता है,
एंड दिस इज अ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग. सो यू गेट अ लोड्स ऑफ फंक्शंस ओवर हियर. विजिबिलिटी के बारे में अगर बात करूं गाइस, विजिबिलिटी आप देख सकते हो, दिस इज अ सेडान, सो आपको ऑब्वियसली एसयूवी लेवल विजिबिलिटी आपको नहीं मिलेगा, बट एज यू कैन सी बोनेट थोड़ा मुझे दिख रहा है. सो इवन द साइड विजिबिलिटी इज ऑल्सो गुड, आप देख सकते हो पीछे का विजिबिलिटी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा. बट वन थिंग आई शुड टेल यू इज दैट इसका जो रियर विजिबिलिटी है ना, उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है. अभी ऑटो डिमिंग के लिए थोड़ा डिम हो गया है, बट एनीवे रियर विंडशील्ड जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, सो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है उसमें. एंड ऑन दैट साइड एज यू कैन सी आपका जो मिरर है, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. और एक जो चीज बोलना चाहता हूँ मैं गाइस, कि आपको लेन डिपार्चर वार्निंग मिल जाता है इस गाड़ी में. सो एज यू कैन सी यहाँ पर मिरर में आपको वो ट्राइंगल दिख रहा है, सो दैट इज अ लेन डिपार्चर वार्निंग सिग्नल. सो अगर आपके लेन में कोई आ रहा है देन इट विल गिव यू अ वार्निंग बेस्ड अपॉन दैट. सो गाइज, दैट वॉज माई डिटेल्ड इंटीरियर रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू 2023 हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट SX ऑप्शनल टर्बो वेरियंट, मतलब जो मैनुअल वेरियंट है. सो अगर आपको ये इंटीरियर रिव्यू अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, बिकॉज इट विल रियली हेल्प द वीडियो एंड ऑल्सो द चैनल. सो गाइज, दैट वॉज माई वीडियो फॉर टूडे ऑन द ऑल न्यू 2023 हुंडई वर्ना फेसलिफ्ट SX ऑप्शनल मैनुअल वेरियंट. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक विच इज द थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे देन ओनली आई कैन ब्रिंग यू मोर न्यू कार कंटेंट लाइक दिस फर्दर इन द फ्यूचर. एंड यस गाइस, डू शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी न्यू कार दैट हैज बीन लॉन्च्ड इन इंडिया एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द सेगमेंट, बट उससे भी पावरफुल है ये गाड़ी. सो अगर आपको मतलब थोड़ा स्पीड का शौकीन है देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस कार, एंड शोरूम का लिंक विल बी गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड चेक दिस कार आउट. सो या गाइस, दैट इज ऑल फॉर मी फॉर टुडे. आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन, चाओ.